लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हाय चार्ल्स। हाय कार्तिका, आई क्या? नहीं, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। मैं ऑफिस गया था, वहाँ पर भी नहीं है। फोन किया था, नॉट रीचेबल आ रहा है। तुमसे कोई बात हुई उसकी? नहीं, पर उसका सारा सामान यहीं है। ठीक है, वो आते ही फोन करने को बोलना। ओके, जरूर बताऊंगी। ओके, हाँ, बाय। कार्तिका फोन भी नहीं उठा रही है, पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होगी। सुबह होने से पहले मैं उसे ना देख पाऊँ तो। Thank you.
हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अच्छी एक्टिंग कर लेते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रेंड का एक जरूरी काम था, इसलिए मैं यहाँ आया। कौन सा फ्रेंड? अपना सुबु। अरे सुनो, एक मिनट इधर। अच्छा, ये मेरा फ्रेंड है सुब्रमणि। हाय। और ये है कार्तिका, मेरी फ्रेंड। अरे झूठे, यही था तेरा जरूरी काम? हाँ, इसी के लिए तू यहाँ पर आया था। कार्तिका, ये लोग कौन है बेटा? माँ, इससे मिलो, ये है मेरा फ्रेंड चार्ल्स। ओह, तेरा कॉलेज फ्रेंड, इसने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। अच्छा, अभी तुम कहाँ रहते हो बेटा? चेन्नई में। और करते क्या हो? चेन्नई सुपर किंग में। ओह, वो जो लास्ट बॉल में जिसने सिक्स मारा था, वो तुम ही हो क्या? लेकिन टीवी में तो कुछ अलग ही दिख रहे थे तुम। आंटी, वो ब्रेवो है, वेस्ट इंडीज का प्लेयर, इसने तो अभी बस खेलना शुरू किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम जल्दी ही सफल हो जाओगे। थैंक्स। हमारा घर यहाँ पास में ही है, चलो ना। नहीं आंटी, एक जरूरी काम से हमें निकलना होगा। ये भी आज ही जा रही है, कैसे जा रही हो बेटा? बस से माँ। और तुम बेटे? फिर तो मैं भी बस में ही जाऊंगा। यही जगह बताया था? हाँ, यही बताया था यार, आने वाला होगा। लो आ गया। क्या भाई, हम आपका यहाँ इंतजार कर रहे थे, ये लीजिए। हाँ, इसमें 8 करोड़ हैं और बाकी का डायमंड्स मिलने के बाद। डायमंड कब तक मिलेगा? 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते क्यों? तो कुड़ी का एसपी कुछ ज्यादा ईमानदार है, अपने सभी लड़कों पर उसकी नजर है, इसलिए दूसरों से काम करवाना होगा। हाँ, सब ठीक से हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इस बार अमाउंट कुछ ज्यादा ही है। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। आप चिंता मत कीजिए, बताए हुए वक्त पर आपको माल मिल जाएगा। जाना कहाँ है हमें? इज़ा की तरफ। थिएटर गए, टिकट नहीं मिला, तो इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? What a sense of humor you have, यार। लगता है देख लिया क्या? 10 मिनट्स में हाँ, वो आ जाएंगे। हाँ ठीक है। सर, आपने बुलाया क्या? ये ऑफिस है, भूल गए हो क्या? सर, बात क्या है? जहाँ काम करते हो वहाँ लड़कियों से दूर रहना चाहिए, तभी काम ठीक से हो पाता है। हाँ सर, आजकल की लड़कियाँ सही नहीं है। ये जो कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। आई एम सॉरी सर। यू कैन गो। थैंक यू सर। बिल्स रेडी हुए क्या? नहीं। क्यों? 3 करोड़ का परचेज करके 8 करोड़ का बिल मांगेगा तो कहाँ से दूंगा? ऊपर से सारे के सारे इलीगल डायमंड्स हैं। तो अब क्या करें? पता नहीं, शायद विश्वनाथ को मुझ पर डाउट होने लगा है। 1 हफ्ते के लिए मैनेज करते हैं, नेक्स्ट वीक हमारे हाथ में आ जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। आ गया। मॉर्निंग सर। हेलो सर, आप लोग बैठ जाइए। या क्या बात है संजय? यस सर। अकाउंट वगैरह कब सबमिट करने वाले हो? सारे बिल्स रेडी हो रहे हैं सर, जमा कर दूंगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, समथिंग इज रॉन्ग। सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हेलो, हाँ बॉस, सब रेडी है बॉस, आपके आते ही शुरू करते हैं बॉस। ओके ओके, थैंक यू बॉस। 10 मिनट के अंदर पहुंचने okay. वाले हैं, तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में जाके okay. सब कुछ अरेंज कर ठीक दो। है, जाओ। ओके सर। चंदू, मुझे इस संजय पे थोड़ा डाउट ही लग रहा है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है सर। ये तभी तक बचा हुआ है जब तक कुछ प्रूफ हाथ नहीं लगता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन, सिट डाउन। आप सबको पता है हमारी कंपनी इंडिया में 1 ऑफ द लीडिंग डायमंड कंपनी है। इस साल को जोड़कर हमारी कंपनी को 50 साल हो गए, पर यह काफी नहीं है। लेकिन हमारी कंपनी को इंडिया के ज्वेल कंपनीज में नंबर 1 कंपनी बनना है, और उसके लिए आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। और एक जरूरी बात है, मिस्टर विश्वनाथ इस हफ्ता रिलीव हो रहे हैं और उनकी जगह पर मिस्टर चंद्रू आ रहे हैं। इतने यंग एज में चंद्रू इज अ वेरी सिंसियर पर्सन, इसलिए उनको ये प्रमोशन मिल रहा है। संजय ऑफकोर्स परचेस डिपार्टमेंट में इंचार्ज बनकर रहेंगे। मिस्टर विश्वनाथ। थैंक यू सर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है और मेरी इस कामयाबी के पीछे आप सभी का सहयोग है और बिना आपके सहयोग के मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे आप लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया है, उम्मीद है चंदू को भी वैसे ही कोऑपरेट करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। क्या यार, मैं तुझे कितने दिनों से कह रहा हूँ, तू जहाँ पे काम करता है वहाँ मुझे भी लगा देना। मुझे भी पैसों की जरूरत है, घर में मेरी बहन की शादी भी है यार, 2 लाख रुपयों की जरूरत है। मेरा काम बहुत ही कठिन है यार। कितना भी कठिन हो मैं करूँगा ना, जो कमाता हूँ घर के राशन में ही खर्च हो जाते हैं, जो धंधा करता हूँ उसमें मुनाफा नहीं हो रहा है। अगर किसी काम में लग जाऊँगा तो मुझे कर्ज भी मिल सकता है। ए, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है यार। तू इतने दिनों से बोल रहा है इसलिए करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, पर ईमानदारी से करना। ज़रूर ईमानदारी से करूँगा। हेलो, हाँ भाई। भाई से मिलना है। वेट करो। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा। उठाकर समुंदर में फेंक दो भाई। हाँ, आसिफ आया है, अंदर भेजो। अंदर आओ। भाई, सलाम भाई। भाई फोन पे बताया था ना, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, मैं जानता हूँ अच्छे से। घर में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए 2 लाख की जरूरत है भाई। नाम क्या बताया? शफीक। हाँ शफीक, हमारा काम बहुत खतरनाक है, गवर्नमेंट को धोखा देने का काम करते हैं। अगर तुमने इसे ठीक से कर लिया तो तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक बात, अगर पुलिस के चंगुल में फंस गया तो जान भी चली जाए लेकिन उन्हें कुछ मत बताना, समझा? जा, ठीक है। हाँ शफीक, तुझे दोबारा बता रहा हूँ, अगर तूने काम ठीक से किया ना तो तेरी हर ज़रूरत पूरी कर दूंगा। ठीक है। हाँ भाई, नया लड़का है, यकीन कर सकते हैं क्या? भरोसे वाला है ये, धोखा नहीं देगा। वो बड़ा अमाउंट है ना, इसलिए पुलिस की नज़र इस वक्त हमारे लड़कों पर है, इसीलिए इस समय हमें एक नए लड़के की ज़रूरत है। तुरंत किसी पर भरोसा करना गलत तो है, मगर हर वक्त किसी पर भरोसा न करना उससे भी बड़ी गलती है, समझा? आसिफ, मुझे डर लग रहा है यार, ये काम मेरे लिए सही नहीं है। देख, शुरू में ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। डर मत यार, हम लोग हैं ना, थोड़े दिन में तेरी सारी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं यार, मुझे जाने दे, मैं कुछ और देख लूँगा। हेलो, हाँ बोलो शहरा, क्या हुआ? ठीक है, मैं आता हूँ। नहीं आसिफ, ये मेरी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, मैं निकलता हूँ। ए, तू टेंशन मत ले यार, मैं शाम को फ़ोन करता हूँ।
तू जो कह रहा है वो ठीक तो है, लेकिन मैं किस भरोसे पे लड़की की शादी करवा दूं? बाप के नाम से कोई जायदाद भी तो नहीं है। ठीक है बेटी प्यार करती है, सिर्फ इसलिए क्या उसकी शादी मैं तुझसे करवा दूं? आप भरोसा कीजिए मैं सब देख लूंगा। हाँ पता है तू कैसे देखेगा, इसे भी घर पर बिठवा कर इससे पुड़िया बनवाएगा। पहले उनके लिए तू कुछ करके दिखा, कर सकता है क्या? मेरी बेटी तुझे चाहती है इसलिए इतनी इज्जत दे रहा हूं। पहले अपनी बहन की शादी करवा कर दिखा, फिर बात करेंगे। ठीक है अंकल। हाँ अच्छा सुनिए, लड़के के घर फोन कर दीजिए और कहिए अभी शादी नहीं हो सकती, इस जन्म में तो इसकी शादी नहीं होने वाली, एक के वजह से दूसरी की भी नहीं होगी। तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक काम करो किसी के साथ भाग कर शादी कर लो, ये सोचूंगी कि तौर तरीके से तुम्हारी शादी होगी, कि तुम्हारा बाप शादी करवाएगा या भाई शादी करवाएगा तो रहने दो, जिंदगी भर दोनों कुंवारी रह जाओगी। इस तरह की बातें क्यों करती हो, तुम्हारी बातों से उसे बुरा लग गया ना? तो और क्या कहूं मैं, हाँ घर में दो दो बेकार मर्द बैठे हैं। दीदी क्या हुआ, भैया यहाँ आओ। हा? देखो ये क्या कर रही है, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, दीदी दरवाजा खोलो, रजिया अरे रजिया क्या हुआ, रजिया क्या, रजिया दीदी प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, रजिया दरवाजा खोलो, रजिया दरवाजा खोलो ना, रजिया दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, क्या हुआ? हाँ रजिया, रजिया दीदी, रजिया दीदी, रजिया आगे आओ, रजिया रजिया तूने ऐसा क्यों किया बेटा, इन पैरों के साथ तो मैं किसी के साथ भाग भी नहीं सकती माँ। अरे हेलो, ऐसा क्या? ठीक है मैं अभी आता हूँ। कार्तिका आपने बाहर कुछ खाया था? हाँ डॉक्टर। ये फूड पॉइजन ही है इसलिए डिहाइड्रेशन हुआ, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, दवाइयां लिख देता हूँ टाइम पर देना, अब मैं चलता हूँ। थैंक्स डॉक्टर। ओके साफ कर लूंगा। कार्तिका बोलो। चार्ल्स कहाँ हो तुम? टिकट बुक करवाने के लिए ट्रैवल एजेंसी गई थी। ओ ऐसा है क्या, कब जा रही हो तुम? रात को 10 बजे की बस है।
ओके ओके ठीक है। मुझे लगा ही था, नई चप्पल थी, देखो ना टूट गई। तो नया खरीद ले। नहीं नहीं रहने दो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इन्हें साथ घूम रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचना? नहीं, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ जाऊँगा और तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा। मतलब तुम क्रिकेट छोड़ दोगे? बोलो, क्रिकेट छोड़ दोगे तुम? क्रिकेट छोड़ दूंगा तो तुम उससे शादी करोगी? का सालन मनाने के लिए बोलो। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम। चाफिक, माल तुझे ही पहुंचाना होगा। ठीक है भाई। 8 करोड़ का माल है, ध्यान से काम करना। हो जाएगा भाई। हा? बात यह है कि पुलिस की नजर हमारे लड़कों पर है, इसीलिए इस बार तुझे भेज रहा हूँ। चिंता मत करो भाई, कल तुम्हें फोन करूंगा। तुम्हें पैसे कब आकर लेने हैं, माल को कहाँ पहुँचाना है वो मैं फ़ोन पर बताऊँगा। जी, अपने लड़कों में से ही कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है, पहले उसको मारना है। बहन की शादी है, तूने बताया था ना, शादी के खर्च के लिए रख ले। जी, खा कर जाना है। शफीक, माल लेकर तुम्हें सीधा यहीं आना है। हाँ, मिलते हैं। आइए अंकल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ी बेटी की शादी है श्रवण। आप कैसे हैं भैया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं चाचा जी? माँ और दो कॉफी। काम कैसे चल रहा है अंकल? हाँ ठीक चल रहा है बेटी। किसके लिए दो कॉफी चाहिए? अरे अरे आप हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक। चलो आज आपको यहाँ का रास्ता याद तो आया। भैया आप कहाँ पर काम करते हैं? हार्बर में करता हूँ। ओके श्रवण, पहला निमंत्रण तुझे ही दे रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ आना है और आगे रह के शादी करवानी भी है। अभी चलता हूँ, बहुत जगह जाना है मुझे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। चाचा जी आता हूँ। अच्छा कार्तिका, चलता हूँ चाची जी। हाँ बोल संजय भाई। डायमंड्स, माल आज शाम तक मेरे हाथ में आ जाएगा, कल तेरे हाथ तक पहुंच जाएगा। जल्दी करो भाई, दिया हुआ पैसा ऑफिस के मैनेजर का था और वो हम पे शक कर रहा है, जल्द से जल्द उसे माल देना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो तुम, सही वक्त पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इधर। क्या बोला? कह रहा है कि कल कंफर्म होगा, डायमंड्स को दिखाकर विश्वनाथ को चुप करवाना ही पड़ेगा। शफीक, ये पैसा लेकर तुम्हें मार्केट तक जाना होगा। ठीक है भाई। वहाँ इस नंबर की गाड़ी पर 2 लोग होंगे। जी भाई। उनको ये पैसे देकर उनसे डायमंड लेकर आओ। जी। सीधा यहीं पर आना। हाँ ठीक है भाई। हाँ संभल कर। क्या रे टेंशन में दिख रहा है तू? डर लग रहा है यार। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं ना, चल आजा। शफी ये ले हेडफोन। हाँ। फोन कट मत करना। ठीक है। तुझे क्या करना मैं बताऊंगा। ठीक है। मार्केट में माल दे देना और हमारा काम हो जाएगा, समझ गया ना? ठीक है।
भैया ऑटो चलाओ। अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, माँ जो कहती है वो सुनिएगा, ठीक है? मैं आती हूँ। हाँ चलती हूँ माँ। ये यहाँ इस जगह पे क्या? हाँ इस भीड़ वाली जगह पे करेंगे तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा। मैं यहीं पर रुकता हूँ, जैसा बोलूंगा वैसा ही करना। ठीक है संभल कर। ठीक है। देख शफिक, आसपास पुलिस घूम रही है, थोड़ा संभल कर रहना। ये लोग तो इधर ही दिख रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तू डर मत, उनको देख मत, चुपचाप चलते जा। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तू जल्दी से वहां से निकल, बस स्टॉप के पीछे वाली गली में जल्दी से आ जा। ठीक है? ठीक है। एक गली में वो गाड़ी होगी, तू माल लेकर जल्दी से आ जा, जल्दी कर। मैं जहां भी जाती हूँ वो वहीं आ जाता है, यहाँ पर भी आएगा क्या? भैया बस कब निकलेगी? बस टाइम हो गया है बेटी। ठीक है भैया, फोन करके देखती हूँ। हेलो। हेलो कहाँ हो तुम? मैं तो चेन्नई में हूँ। ओह क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं रखती हूँ, बाय। अंदर क्या किया? हाँ सर। सामान मेरे पास है, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, अब क्या करूं? तू कैसे भी वहां से निकल, उनके हाथ मत लगना और माल को संभाल कर रख। वही है ना? हाँ वही है। ए, ए, रुक। रुक।
उस तरफ देखो। हाँ। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम इसे रख लो, मैं घर पे आके ले लूंगा। पर भैया मैं तो चेन्नई जा रही हूँ। अंदर जाके देखो। नहीं है सर। सर लड़का भाग गया, लाल रंग की टोपी पहनी है उसने सर। मैडम चिप्स मैडम फ्री में है मैडम। मुझे पता था। सर ये मेरी फ्रेंड है, आप जरा पीछे जाकर बैठ सकते हैं। इससे अच्छा मैं चेन्नई में रहता। सर ये मेरा फ्रेंड है, आप जरा वहां जाकर बैठ सकते हैं क्या प्लीज? ठीक है। थैंक्स। सर ये वही लग रहा है ना? ऐसा क्या? ए इधर आना। ए इधर आ। क्या है सर? पहले इधर आ। जी सर। यहाँ क्या कर रहा है? सब्जी लेने आया था सर। झूठ मत बोल, तू ही हमें देखकर भाग रहा था ना? नहीं सर, मैं तो यहाँ मार्केट आया था। ए जी, मुझे देखकर तो भागा था ना? सर मैं नहीं था सर। चलो चेक करो। हाथ बर कर। सर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं है सर। अब क्या करें? इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, बोल देंगे कि शक के बिना पे लेके आए। हाँ ठीक है, पुलिस स्टेशन आओ और साइन कर लेना। लेकिन क्यों सर? कुछ नहीं, बस साइन करना है। अरे कुछ नहीं, बस एड्रेस लिख के छोड़ देंगे। चला जा, आ जा। इधर एक तिल है, हाथ में एक निशान है यहाँ पे। क्या किसी से झगड़ा किया था क्या? नहीं सर, वो एक्सीडेंट हुआ था ना इसलिए। बाजू दिखा, लगता है किसी ने ब्लेड मारा था। नहीं सर, गाड़ी से गिर गया था इसलिए सर। सर मैं जाऊँ क्या सर? ए रुक, वैसे तुझे इतनी जल्दी जाना कहाँ है? जी काम पर सर। क्या काम करता है? सर वाइन शॉप में सेव और चिप्स बेचता हूँ मैं सर। ए तू सेव और चिप्स नहीं बेचेगा तो दुनिया में लोग पियेंगे नहीं क्या? जाके उधर बैठ, साहब के आने के बाद जाना। ये लीजिए कार्तिका। हाँ? शादी कर लेते हैं। ये बताओ माँ राजी हो जाएंगी क्या? तुम्हारी तरफ से हाँ है? पहले वो राजी हो जाए फिर देखते हैं। तुमने ओके बोल दिया, बस इतना ही काफी है। माँ से मैं बात कर लूंगा। अभी जाकर माँ से मिलते हैं क्या? इस वक्त मैं जाकर रेडी हो जाती हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है। एक सेकेंड आ रही हूँ। आज एक दिन बाइक पर चलते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। एक बात कहूँ, गुस्सा नहीं करोगी? क्या हुआ? ये गजरा निकाल दो ना। क्यों? वो क्या है, ये हमारे घर का रिवाज नहीं है। मेरी माँ के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। इसे भी निकाल दो। हाँ प्लीज।
कार्तिका थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ मॉम, कार्तिका। मॉम, मैंने बताया था ना। तुम क्रिश्चियन हो क्या? नहीं आंटी, मैं हिंदू हूँ। माँ, मैंने बताया था ना, ये हिंदू है। जानती हूँ बेटा। अच्छा, कुछ पूछ सकती हूँ? तुम ये बिंदी गजरा वगैरह नहीं लगाती क्या? लगाती हूँ आंटी, लेकिन आपसे मिलने आ रही थी इसलिए चार्ल्स ने मना कर दिया। चार्ल्स ने मुझे सब कुछ बताया है। उसने जो भी चाहा है वो मैंने उसे दिया, पढ़ाई से लेकर क्रिकेट तक सब कुछ दिया। लेकिन शादी, सीधी बात करती हूँ, हम क्रिश्चियन हैं, हमारे रिवाज अलग हैं और तुम्हारे अलग। मैं रोज चर्च आती हूँ, हर रोज जीजस को याद करती हूँ और ये चाहती हूँ कि चार्ल्स भी यही सब करे। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, क्रिकेट ही उसका लक्ष्य था, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर वो काम पे जाने लगा। अब ये तुम्हारी हर बात मान रहा है। फ्यूचर में ये पूरी तरह तुम्हारे जैसा हो गया तो? इसके पापा के गुजरने के बाद से यही मेरी दुनिया है। इसकी जिंदगी को लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। तुम आकर इसे ले जाओगी तो ये ठीक होगा क्या? तुम खुद ही बताओ, बोलो ना बेटी। आप सही कह रही हैं आंटी। माँ, तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो, हम दोनों शादी करना चाहते हैं तो आपकी परमिशन लेने आए हैं। परमिशन? अगर मैंने मना कर दिया तो तू मानेगा? मैंने अपने मन की बात कही, बाकी तुम लोगों की मर्जी है। मुझे विश्वास है तुम मेरी बात समझोगी। मैं समझ गई आंटी, मैं चलती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपको तकलीफ दी इसके लिए सॉरी। आज के बाद मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। मैं चलती हूँ। मैं छोड़ के आता हूँ। जाओ। कार्तिका, मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एक मिनट रुको। आई एम सॉरी। मैं एक बात तुम्हें पहले ही से बता देती हूँ, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। अच्छा होगा हम ये बात अभी समझ ले। अरे मैं कैसे भी माँ से बात करके उनको कन्विंस कर लूंगा। उनकी छोड़ो चार्ल्स, पहले तुम तो कन्विंस हो जाओ। मुझसे कुछ और कहते हो, उनसे कुछ और कहते हो, क्या नाटक चल रहा है ये? पूरी जिंदगी ऐसे ही नाटक करते रहोगे? तुम कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकती। मैं खुद को बदल नहीं सकती। कौन कह रहा है बदलने के लिए? बस मेरे लिए थोड़ा सा माँ को एडजस्ट कर लो। कितने दिनों तक एडजस्ट करूं? इतनी टेंशन के साथ जिंदगी नहीं जी जाएगी मुझसे। ये सब मुश्किल है मेरे लिए। आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तुम अभी टेंशन में हो, मैं बाद में बात करता हूँ। पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मुझे लगा था सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन एक तरफ माँ और दूसरी तरफ कार्तिका। तू फिकर मत कर, मेरे पास सॉल्यूशन है। तू क्या करेगा? एक मिनट। Na 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 na
कार्तिका, 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 एक मिनट रुको ना कार्तिका। कार्तिका, तुम्हारे शाम में आने तक मैं यहीं रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ यार सर, गांव में जरा फंस गया था, अभी स्टेशन आया हूँ, बाद में बात करता हूँ, चल फोन रखता हूँ। कौन है ये? शक मिले क्या है सर? कुछ माल मिला क्या? कुछ नहीं मिला सर। तो ये यहाँ क्यों है? इसको रखकर इसका अचार डालेगा क्या? एड्रेस ले और घर भेज इसको। हाँ हाँ सुन लिया ना, अब चल निकल। जी जी ठीक है। अरे जरा अंदर आओ। आ रहा हूँ सर। हेलो कार्तिका, मैं शफीक बोल रहा हूँ। बोलिए भैया। मैंने बस में एक बॉक्स दिया था, वो तुम्हारे पास है ना? एक मिनट रुक जाइए भैया, चेक करती हूँ। हाँ मेरे पास ये भैया, उस दिन मैं आवाज देती रही लेकिन अब चले गए। हाँ उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए, उसे संभाल कर रखना ठीक है? कहो तो मैं कुरियर कर देती हूँ। नहीं नहीं कार्तिका, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं खुद आकर के ले लूंगा। ठीक है भैया, मैं आज ही निकलता हूँ, सुबह तक पहुँच जाऊंगा। अपना एड्रेस देना जरा। सुबह आएंगे तो मेरे ऑफिस एड्रेस पर आ जाइए। ठीक है, ऑफिस का एड्रेस दे दो। 31 सिटी कॉर्नर आडियार। वहां पहुंचकर फोन करता हूँ। ठीक है भैया, संभाल कर रखना। ओके भैया बाय। अंदर जाके देख। कौन है आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं? बाहर निकालो उसे बाहर। अरे तू ऐसे खाती रहेगी तो पैक करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे क्या हुआ, दो दिन से कहाँ था? हाँ फोन किया तो फोन भी नहीं लग रहा था। दो दिन से काम कुछ ज्यादा था, फोन में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, जरा पानी देना। अब्बा कहाँ है माँ? ये क्या पूछ रहा है? तूने अपने दोस्त आसिफ को भेजा था ना उन्हें ले जाने के लिए? हाँ मैंने ये काम से बुलाया था। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ही काम से बुलाया था, मैं जाकर ले आता हूँ। मैं जाकर आता हूँ। जल्दी आना। हाँ हेलो अब्बा, फैजान बोल रहा हूँ। भाई तुमने ऐसा क्यों किया शफीक? हाँ तुम हीरे लेकर सीधे मेरे पास आ जाओ। भाई भाई मैं आता हूँ भाई, पापा कहाँ है भाई? तेरे पापा यहाँ पर सही सलामत हैं, अगर तू चाहता है तेरे पापा सही सलामत रहें तो तू माल लेकर यहाँ पर आ जा। भाई पापा को कुछ मत करना भाई, मैं आता हूँ भाई, आता हूँ। और अगर मुझे पता चला तू कहीं और गया था और किसी से मिला तो अपने बाप को याद कर लेना। ठीक है भाई मैं आता हूँ भाई। अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो ये मेरा पीछा ही करता रहेगा और मैं फेस भी नहीं कर पाऊँगी।
मैं आपको पहले ही बहुत टाइम दे चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला। अगर आज रात तक अकाउंट्स के सारे हिसाब नहीं दिया ना, तो मैं बॉस के पास जाके कंप्लेंट करूंगा, याद रखना। ठीक है ना चंदू? ओके सर। और सिर्फ इतना ही नहीं। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। क्या हुआ? प्लीज एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन? क्या बात है? फैमिली प्रॉब्लम है सर। जब छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो बोलने पे भी सुनोगी नहीं। कब छोड़ रही हो काम? कल ही सर। कल ही? कंपनी के रूल्स के बारे में पता नहीं है क्या? काम छोड़ने के 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, नहीं तो 2 महीने की सैलरी कट हो जाती है। चलेगा सर। तो फिर कल क्यों? तुम चाहो तो एचआर से मिल लो और तुम्हारे अंडर जो फाइल है उसे हैंड ओवर कर दो। जाओ मिल लो। सॉरी सर। हाँ जाओ। थैंक यू। भाई माल किधर है? भाई वो भाई जब मैं माल दे रहा था तो पुलिस आ गई थी, तो मेरे पहचान की एक लड़की चेन्नई की बस में थी, उसे मैंने। वो माल किधर है? भाई मैंने उसी को दे दिया था, मैं उसे जानता हूँ। मैं माल के बारे में पूछ रहा हूँ, तू कहानी सुना रहा है? भाई नहीं नहीं भाई, भाई भाई माल किधर है? भाई भाई मेरा यकीन कीजिए, मैंने हा? मैंने उस लड़की को दिया था भाई, मैं उसे जानता हूँ भाई। तुझ पर यकीन करूँ? मैं सच कह रहा हूँ भाई। उसे लेकर आ भाई। भाई, भाई, hey! भाई। अरसन, इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस में जो मेरा आदमी है उसने मुझे इन्फॉर्म किया और मुझे पूरा शक है कि तुम दोनों ने मिलकर डायमंड को गायब किया है। इसका और उस माल का कोई संबंध नहीं है भाई। भाई मैंने उस लड़की को दिया भाई। भाई इसे छोड़ दो भाई, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। नहीं भाई, भाई, भाई आपके हाथ छोड़ दो, इसका उससे कोई संबंध नहीं है भाई। भाई, 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 मैं ला कर दूंगा भाई। भाई, भाई, एक दिन का समय दीजिए, मैं ला कर दूंगा भाई। भाई भाई प्लीज भाई प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, अल्लाह की कसम मैं ला कर दूंगा भाई। भाई भास्कर, ये जहाँ जाना चाहता है इसको लेकर जाओ। ठीक है भाई, लेकिन सुबह होने से पहले तुझे माल मिल गया है ये मुझे फोन करके बता देना। ऐसा नहीं हुआ तो यही हाल तेरे बाप का होने वाला है। चल जा शफीक, इसमें जरा भी गलती हुई तो। नहीं भाई नहीं होगी। चल कार्तिका, वो बॉक्स सही सलामत है ना? ओहो सही सलामत है भैया। ठीक है मिलता हूँ। पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज है। हे कार्तिका, हूँ क्या बात है, मुझे देखकर क्या छुपा रही है? डायमंड्स छुपा रही है क्या? हे टेंशन मत ले यार, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। क्या यार इतनी सी बात पे टेंशन लेती है? हाय। Thank you.
अरे भाई मेरी एक फ्रेंड अंदर है। सब लोग चले गए भाई साहब। नहीं भाई वो अभी तक अंदर ही है। मैं अभी चेक करके आ रहा हूँ। नहीं भाई मैं तो यहीं पर खड़ा हूँ। गाड़ी जाने के लिए पीछे एक रास्ता है, वहां से गई होंगी, उधर जाके देखो ना। ठीक है। फोन तो है ना, कॉल करके पूछ लो, अभी तो सबके पास फोन आ गया है। ए, सब कुछ क्लोज कर दिया ना? हाँ सब क्लोज कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर क्लोज कर दिया सर, पार्किंग भी। पार्किंग मैंने देख लिया। अच्छा सुनो, मेरा साला फौरन से बढ़िया सी चीज लाया है। सिक्योरिटी भाई, लगता है कोई आया है। ये भी ना यार, तू रुक मैं देख के आता हूँ। सिक्योरिटी भाई, भाई भाई जरा आइए ना भाई। क्या चाहिए? फोन ट्राई किया, स्विच ऑफ आ रहा है, वहां जाकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं है। तो फिर? भाई हम दोनों का छोटा सा झगड़ा हो गया है, इसलिए उसने फोन स्विच ऑफ करके रखा है। तो आप जाके देख लो ना वो अंदर है या नहीं। दो तीन रास्ते हैं यार, किसी रास्ते से चली गई होगी। घर पे जाके देखो ना, इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो? अंदर मुझे बहुत सारा काम है, पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग। कहां चली गई? नो संजय, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। आई नीड ओनली परफेक्ट अकाउंट्स, नहीं तो खुद ही बॉस से बात कर लो, है ना चंदू? मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा सर। सर आप 3 दिन के बाद बाहर जाने वाले हैं ना, उसके बाद तो सब कुछ यही संभालेगा, हम मैनेज कर लेंगे सर। व्हाट डू यू मीन? तुम बार बार हम क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारा इंचार्ज बनने वाला है, उसको अपने साथ क्यों मिला रहे हो? क्यों चंदू, मैं सही बोल रहा हूँ ना? आखिर चल क्या रहे हैं आप? तो एक हफ्ते में जाने वाले हो, उसके बाद अकाउंट्स हम लोग देख लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। व्हाट, ये क्या चंदू, तुम भी इसमें शामिल हो क्या?
तुमसे ये उम्मीद नहीं थी? अभी तुम लोगों ने 8 करोड़ का घोटाला किया है, अगर इंचार्ज बन जाओगे तो कंपनी को ही खा जाओगे। मैं अभी के अभी बॉस से बात करता हूँ। सर सर प्लीज प्लीज सर छोड़ो मुझे। प्लीज सर प्लीज। नो इडियोटिक सेंटीमेंट। प्लीज छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो। ओके सर, सब कुछ खत्म कर देते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या क्या, छोड़ो मेरा हाथ। हाथ छोड़ो मेरा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। इतनी बार रिक्वेस्ट की तेरे से, कबरी तेरे पाप की है क्या? पहले जो इंचार्ज था ना गणेश, वो भी रूल्स की बात किया करता था। ये रूल्स कितने खून करवाएंगे हमसे? तेरे सामने कितनी बार गिड़गिड़ाए पर तूने एक नहीं सुनी हमारी। खाली फोकट तुझे मारना पड़ा। छोड़ना, पहले लाश ठिकाने लगाते हैं। सब कुछ देख लिया तूने? नहीं सब, मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, प्लीज सर। मेरे हाथ से कितना खून करवाओगे? मैं वैसे भी काम छोड़कर जा रही हूँ सर, प्लीज सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी सर, सच में। कहां गई वो? भाग गई। चल वो ऊपर है, चल। चार्ल्स। हाय कार्तिका, आई है क्या? नहीं, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। ऑफिस गया था तो वहां पर नहीं थी। फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा है। तुम्हें कॉल किया था क्या? नहीं, पर उसका सारा सामान यही है। ठीक है, आए तो उसको फोन करने के लिए कहना। ओके, मैं उसे बोल दूंगी। हाँ। ओके बाय बाय। अब क्या करेंगे? उसको मारकर इसी के साथ दफना देते हैं। अगर उसे छोड़ दिया तो वो जरूर सबको बताएगी। करेक्ट। ठीक है चल। Yeah.
लाइट्स क्यों बंद हो गई? संजय, भाई पीछे लाइट जल रही है, लगता है कोई खटखटा रहा था। आप जरा जाकर देखिए ना प्लीज। भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? भाई प्लीज भाई एक बार तो देख लीजिए। तुमने तंग करके रख दिया है। प्लीज भाई, अगर वहां कोई मिला नहीं ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ। कहां चली गई यार वो? बुरे फंस गए हम लोग। कहां लाइट जल रही है भाई? मैंने यहीं पर देखा था। कहां देखा था तुमने? सिर्फ मुझे परेशान करते हो। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है भाई, मैं एक बार अंदर जाकर देख रहा हूं क्या। ए यहां से चुपचाप चला जा वरना मार खा के जाएगा। जाओ मुझे अपना काम करने दो। ये इतना बोल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार देख ही लेता हूं। कौन है तू और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? सर बोलो। मैं इसी बिल्डिंग में काम करती हूँ सर। मेरे साथ काम करने वाले दो लोगों ने एक आदमी का खून कर दिया। खून? हाँ सर। कहाँ? पार्किंग लॉट में सर। मैंने उन्हें देख लिया इसलिए वो मुझे भी मारना चाहते हैं सर। प्लीज मुझे मुझे बचा लीजिए। ठीक है यहाँ मत रुको, मेरे साथ आओ। तुम यहां बैठ जाओ, मैं जाके देखता हूं आखिर बात क्या है। अंदर ही बैठना। हेलो हेलो, किसी भी हाल में हमें उसे खत्म करना है। संजय वो इधर ही है। छोटा
सिक्योरिटी ए, सुनो, मैंने तुम्हें रूम में बैठने के लिए बोला ना, क्यों बाहर आई? अब आ गई हो तो खामियाजा भी भोगो। सर, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कल सुबह आकर थाने से गाड़ी ले जाना। तो मैं क्या करूं? सर, माफ कर दो सर, गलती हो गई। सर, मुझे कंप्लेंट देनी है सर। क्या हुआ? मेरी एक फ्रेंड लापता हो गई है। साहब से मिलो। थैंक यू सर। सर, मेरी फ्रेंड लापता है, ऑफिस गई थी मगर अब तक घर पे वापस नहीं आई। फ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड सर। नाम क्या है? कार्तिका। फोन ट्राई किया तुमने? किया था सर, स्विच ऑफ आ रहा है, शाम से ट्राई कर रहा हूँ मैं। उसके ऑफिस जाकर देखा? हाँ, गया था सर, लेकिन वॉचमैन ने अलाउ नहीं किया, लेकिन पक्का वो वहीं पर है सर। उनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो तो गांव में है सर। बाला, जरा इसके साथ जाओ और देखो प्रॉब्लम क्या है। ओके सर। उसके साथ जाओ। थैंक यू सर। सर, कबाड़ डालने वाला एक रूम है ऊपर, वहां इसे लेके चलते हैं, वहां कोई नहीं आएगा। मार। मैं क्यों सर? इधर दे।
क्या करें अब इसका? उसके साथ इसको भी जला डालते हैं। इस बैग में कोई फोन है क्या? चेक कर। सर उसमें लड़कियों वाला सामान होगा सर, आप उसे क्या देख रहे हो? नहीं फोन तो नहीं है। श्योर? श्योर। ये कैसी आवाज है? अलार्म साउंड है सर। क्या है जाकर देख। ठीक है सर। अबे यहाँ पुलिस कैसे आ गई? ये पहले से ही एक लड़की को ढूंढ रहा है सर, यही पुलिस को लेके आया होगा। उसको पता है क्या कि लड़की यहाँ पर है? कंफर्म तो पता नहीं है लेकिन उसे शक जरूर है। चल निकल यहाँ से। ये चंद्र पुलिस आ गई यार। पुलिस? हाँ। कैसे? लगता है इसी लड़की को ढूंढते हुए आई है। जिंदा है क्या देख? सांस चल रही है, क्या करें इसका? मेरी बीवी ने पहले ही कहा था। उठाकर ड्रम में डाल और पानी चालू कर दे, जो बची कुची जान है वो भी निकल जाएगी। सुभाष बाकी सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने रात में बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी सर, सुबह से पहले नहीं उठने वाले। तू जाके पुलिस को संभाल, हम पहले बॉडी को ठिकाने लगाते हैं, उससे पहले इसे ड्रम में डालते हैं। चल। कहाँ गया था? सो गया था क्या? हाँ? क्यों भाई अंदर कोई है क्या? नहीं सर सभी चले गए। खोलो देखता हूँ। सर खोलना। क्यों रे तेरी अकेले की ड्यूटी है क्या? दो लोग और हैं सर पर छुट्टी पे। क्यों? पूछा था सर पर बेवजह बहाना बना दिया। अरे ये भी ना। क्यों कितने फ्लोर का होगा? 9 फ्लोर सर। फर्स्ट 2 फ्लोर शॉपिंग, अगला फ्लोर फर्नीचर, उसके बाद ऊपर के 2 फ्लोर कॉर्पोरेट ऑफिस, और सबसे ऊपर वाला फ्लोर क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया? क्यों? मुझे नहीं पता सर, क्लोज कर दिया है। फिर पार्किंग? वो बेसमेंट में है सर। चलो उधर ही चलते हैं। उधर कोई नहीं है सर। चलना। इसकी फ्रेंड अंदर है, किसने बताया कि अभी तक बाहर नहीं आई? चक्कर क्या? कोई नहीं है सर, सब लोग ऑफिस से कब के निकल चुके हैं। ए, जल्दी चल। ए, आउट गेट किधर है? उस तरफ है सर, हम सुबह में खोलते हैं। ऊपर चलते हैं। ये सारी गाड़ियां किसकी है? कुछ लोग यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं सर, एक दो दिन में लेके चले जाएंगे। कार्तिका
कार्तिका, 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 इधर बदबू क्या मार रहा है? टॉयलेट है सर इधर। कार्तिका? ये भी ना सर। जरा लाइट ऑन कर। ये पागल है सर, खामखा आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ पता है हमें। ओ भाई हेलो, चलो यहां से। सर मैं ऊपर जाकर देख के आता हूँ। देख के आ जाना। ए, सिगरेट है क्या? गाड़ी में छोड़ दिया सर। ए, तेरे पास है क्या? मैं पीता नहीं हूँ सर। कार्तिका, कार्तिका, चलो कोई नहीं है, चलो।
ए, अब क्या हुआ? सर, ये चप्पल उसी की है सर। अरे ऐसे चप्पल बहुत लोगों के पास होते हैं। कोई होगा तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर, जरूर कर दूंगा। अरे इसको क्यों उठाकर चल रहा है, फेंक दे इसे। गाड़ी निकालूं सर? थाने में आकर एक कंप्लेंट कर दो। हाँ। फिकर मत करो, मिल जाएगी। ठीक है? ठीक है, चलता हूं। चलिए सर। थैंक यू सर। क्या पूछ रहा था वो? उस लड़की के बारे में ही पूछ रहा था, पर मामला संभाल लिया। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं उसे। हाँ। लगता है भाग गई वो। देर से हम यहां पर थे, उसको हमने मिस कैसे कर दिया? अब क्या करेंगे सर? मॉल के अंदर कैमरा होता है ना, चलो चल कर देखते। okay. लाइट्स ऑन करो। ओके। मॉनिटर ऑन कर। मैं कैमरा में देखकर तुम्हें बताता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। सुबह होने से पहले उसे पकड़ना होगा। जाओ। संजय। हाँ? फोन ऑन रखना। मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। ओके, तू उस तरफ जा। ठीक है सर। इससे वो बच नहीं सकती। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कहाँ भागना चाहते हो तुम लोग? हाँ, तुम पर रहम किया।
तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरा बेटा आकर ले जाएगा। ला इधर। फोन नहीं लग रहा है, कहीं पुलिस को तो नहीं बता दिया होगा? खुद ही पुलिस में सरेंडर हो जाऊं क्या? आपका गांव कौन सा भैया? मेल मरुअतुर गांव है। यहाँ पर कोई बस आती है क्या? यहाँ बस नहीं आती भैया, ट्रक आएगा तो उसी में जाएंगे। चाय पियोगे ना? एक चाय पिलाओ इनको। क्या रे शफीक, तू इधर खड़ा है, क्या हुआ? चल आ जा, टाइम हो गया, चल चल अंदर बैठ। आगे सिंगल पेट में छोड़ देना मुझे। अरे भैया रास्ते में छोड़ देना ना मुझे, मैंने चाय पिलाई है आपको। ऐसे क्या देख रहे हो, पैसे भी दूंगा ना मैं। क्या हुआ, पानी वानी पीना है क्या? मार से चल, भाग रहा था, छोड़ेंगे नहीं तुझे, मैं बेवकूफ बनाकर भाग रहा था, और वैसे इधर भाग रहा था तू, बता भाई को फोन करूं क्या? करूं क्या फोन, बोल करूं क्या फोन, तेरे बाप को टपकाने बोलूं? क्या गलती से हो गई, क्या गलती हो गई, किसको बेवकूफ बना रहा है? इज्जत से यहाँ रहने का, भागने की कोशिश की ना, गाड़ी चला रे। हाँ?
संजय सीढ़ियों से भाग रही है। यहाँ पर तो नहीं है। मैंने यही देखा था। लगता है भाग गई। फिर से मिस कर दिया हमने। टेंशन मत ले। अरे क्या टेंशन नहीं ले, सिर्फ 2.5 घंटा बचा है। थोड़ी देर के बाद सब यहाँ पर आ जाएंगे, हम फंस जाएंगे। मेरी बीवी ने पहले ही कहा था। तू चुप रह, दिमाग मत खराब कर। छोड़, कहाँ जाएगी, यही कहीं होगी, मिलते ही खत्म करेंगे। चल वहीं आ रही है। हाँ? सीढ़ियों से। कहाँ पर? हाँ, हाँ। रेडी रहना। हाँ, हाँ। आ रही है। तैयार रहे। आ रही है, आ रही है। मार! वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। संजय कहाँ है तू? कहाँ है वो? वो स्टोर रूम में गई है, जल्दी जा। हाँ मैं आ गया यहाँ पर। तूने देखा उसे? नहीं, उसे सारे कैमरे तोड़ दिए। सीधा स्टोर रूम में जा। Thank you.
ए, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, आग मत लगाना, आग मत लगाना, ऐसा मत करना। क्या कर रहा है वो? मैं मर गई तो तुम नहीं आओगे ना? मैं मरने वाली हूं। यार तू यहां पर क्या कर रहा है? चल घर चल, माँ वेट कर रही होगी यार। कार्तिका शाम से लापता है यार, उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है, इसलिए बहुत डर लग रहा है मुझे। टेंशन मत ले, सुबह तक आ जाएगी। उसे देखे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ए, एक बात कहूं तो गुस्सा तो नहीं होगा? बोलना। गुस्सा नहीं होगा ना? ए, सीधे से बताना। यार वो कल रात को जब हम आ रहे थे ना, तब मैं सुब्रमण्यम बोल रहा हूँ, चार्ल्स का फ्रेंड। हाँ बोलिए। कार्तिका तुम मुझे एक बात बताओ, अपने आप को मिस वर्ल्ड समझती हैं क्या? हाँ? मेरे दोस्त से अच्छा लड़का तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। जल्दी वो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन जाएगा। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम उसे अवॉइड कर रही हो। देखो कार्तिका, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, शादी कर लो तुम उससे। चुपचाप फोन रख दो। हेलो हेलो। ओहो, क्यों तूने ये सब किया? किसने तुझे ये सब करने के लिए बोला था? तेरे लिए यार, तेरे लिए मैंने बोला। तेरी तो मेरे लिए बोला। चल जा तू यहां से। ओहो, इसलिए उसने इस तरह बात की थी सुबह। ये लड़की की चप्पल तेरे पास कहां से आई? तेरे को भी समझ में नहीं आएगा, मैंने तेरी भलाई के लिए सब कुछ किया है। तेरी तो ए, मार मत।
कार्तिका, 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 चार्ल्स, कार्तिका, चार्ल्स, कार्तिका, चार्ल्स, कार्तिका, चार्ल्स, तुम कहाँ हो? चार्ल्स, मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, तुम कहाँ पर हो? चार्ल्स, मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ। आओ। कार्तिका, कार्तिका, कार्तिका। संजय, 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 ओह नो, हेलो हेलो, ए चलो उठो, थाने चलते हैं। आ,
भाई इधर ही। जा जाके माल लेके आ, हम साइड में खड़े हैं। जी ठीक है भाई। ए जल्दी आना। मेरे बारे में कुछ बता रही है क्या भाई? क्या हुआ भाई? अंदर किसी का खून हो गया है। बस इतना ही ना, और कुछ तो नहीं ना? ए खून हो गया है और बोल रहा है बस इतना ही? जी जी। तू और क्या चाहता था? हाँ ठीक है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आओ ना भैया। थैंक्स, आता हूँ। किसी को नहीं पता भैया, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कोई और प्रॉब्लम चल रही है, आप यहाँ मत जाइए, चले जाइए। थैंक यू कार्तिका। ठीक है भैया। माफ कर दीजिए अब्बा, ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा था। कोई बात नहीं बेटा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारी समझ में आ गया ना?